ओके सो फिनाले का दिन है और शो जो है वो खत्म होने पर है, कितना मिस करने वाले हैं शो को, अपने कंटेस्टेंट को, क्या कहना चाहेंगे अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में? डेफिनेटली आई विल मिस द कंटेस्टेंट्स, ऑफ कोर्स बहुत अच्छे दोस्त बने और बहुत सारी यादें लेकर आए हैं हम केप टाउन से, और आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस फ्यू स्टंट्स जो मेरे फेवरेट थे, तो आई विश आई कैन डू देम अगेन, आई विश आई कैन डू इट ओवर एंड ओवर, और बस यही है और क्या, टुडे इज अ बिग डे. व्हाट कैलकुलेशंस? बिल्कुल आती हैं. So all those calculations actually play a big role, है ना, and जितना दिमाग लगा सकता था लगाया, but बहुत सारी चीज़ें luck dependent हैं, किसी किसी दिन आपका luck होता है, किसी दिन नहीं होता है, लेकिन जो सबसे consistently perform करता है, you know, he wins at the end of the day, and मेरे हिसाब से तो अर्जुन would be a winner because he has consistently performed. Divyanka is also tough and She was a surprise package. क्योंकि you know opposite में अर्जुन के Divyanka है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा tough competition ज़्यादा. Absolutely, Divyanka was एक surprise package थी सबके लिए, जो सब सोचते थे उसके बारे में कि you know वो तो delicate होगी, उससे नहीं होगा. She proved the other ways and she is a very tough competitor. और बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, आप बताइए आपको हम एज अ गेस्ट अंदर फिर से एक बार देखेंगे? सीनियर बन के जा रही है खबर? आई हैव नो आइडिया, मैंने अपना सीजन नहीं देखा है, सो आई एम नॉट फॉलोइंग इट, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट. अच्छा, दिव्या बिग बॉस होती थी दीदी, कुछ कहना चाहेंगे? कितनी वेल डिजर्विंग थी वो? आई हैवंट सीन एक्चुअली, सो आई कांट कमेंट, बट आई एम हैप्पी फॉर वरुण बिकॉज़ वरुण मेरा दोस्त है, सो इट्स सेलिब्रेशन टाइम फॉर वरुण. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you.